रहस्यमय आवाज कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में एक युवक अर्जुन अपनी गाड़ी में अकेला एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा है। रास्ता बिल्कुल वीरान है, केवल उसके कार की हेडलाइट्स और दूर दूर तक फैला अंधेरा। अचानक अर्जुन के रेडियो से एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज आने लगती है। आवाज अस्पष्ट है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि कोई उसे नाम से पुकार रहा है। अर्जुन डर के मारे रेडियो बंद कर देता है, परंतु आवाज अब गाड़ी के अंदर से आने लगती है। अर्जुन गाड़ी रोकता है और बाहर झांकता है। अंधेरे में एक धुंधली आकृति सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है। वो पास जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अर्जुन हड़बड़ाकर गाड़ी में वापस आता है। अर्जुन जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो रियर व्यू मिरर में एक चेहरा दिखाई देता है। ये वही आवाज थी जो उसे पुकार रही थी, लेकिन जब वो पलटकर देखता है कोई नहीं होता। तभी उसकी गाड़ी अपने आप चलने लगती है। अर्जुन किसी तरह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तेजी से चलने लगती है। अचानक गाड़ी एक मोड़ पर जाकर रुकती है। जब अर्जुन नीचे उतरता है तो वो उसी जगह खड़ा होता है जहां सालों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल अर्जुन खुद एक भूत है। अर्जुन तब समझ पाता है कि वो खुद उसी भयानक घटना का हिस्सा है, जिसकी यादें अब धीरे धीरे उसके सामने उजागर हो रही हैं।